नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। दिल्ली के नटवरलाल केजरीवाल ने पंजाब पुलिस को अपने हाथों की कठपुतली बना लिया है। जैसे ही केजरीवाल पर कोई बयानबाजी करता है, पंजाब पुलिस तुरंत उन्हें गिरफ्तार करने पहुंच जाती है। इस बार नटवरलाल के निशाने पर कुमार विश्वास आए हैं। सुबह सुबह भगवंत मान की पुलिस कुमार विश्वास को दिल्ली गिरफ्तार करने पहुंच गई। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली के नटवरलाल केजरीवाल इन दिनों इतना बौखलाए हुए हैं कि जो भी कोई नेता उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहा है, उसकी गिरफ्तारी के लिए पंजाब से पुलिस भेज देते हैं। बीजेपी नेताओं के बाद इस बार उन्हें कुमार विश्वास खटक गए। कुमार विश्वास की गिरफ्तारी के लिए सुबह सुबह ही जनाब ने पंजाब की पुलिस उनके घर पहुँचा दी। खुद कुमार विश्वास ने इस बात की जानकारी दी। बाकायदा पंजाब पुलिस के फोटो भी ट्वीट किए और लिखा कि सुबह सुबह पंजाब पुलिस द्वार पर पधारी है। एक समय मेरे द्वारा ही पार्टी में शामिल कराए गए भगवंत मान को आगाह कर रहा हूँ कि तुम दिल्ली में बैठे जिस आदमी को पंजाब के लोगों को दी हुई ताकत से खेलने दे रहे हो, वो एक दिन तुम्हें और पंजाब को भी धोखा देगा। देश मेरी चेतावनी याद रखे। ये बात हकीकत है। जो आदमी अन्ना हजारे का नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसे पहचान मिली, वो भला भगवंत मान जैसे कल मिले शख्स का क्या होगा। क्योंकि केजरीवाल भगवंत मान को मोहरा बनाकर पंजाब की सत्ता का इस्तेमाल खुद कर रहे हैं, खुद वहां अपनी नीतियां चला रहे हैं, पुलिस को भी अपनी कठपुतली बना लिया है। भगवंत मान तो सिर्फ नाम के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, काम सारा केजरीवाल के हाथ में है। ये बात हमेशा से कुमार विश्वास कहते हैं, इसी वजह से केजरीवाल ने उनकी गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस को भेजा है। असल में कुमार विश्वास पर यह कार्रवाई क्यों की गई, तो ये भी समझ लीजिए। दरअसल पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान कुमार विश्वास ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए थे। कुमार विश्वास का दावा था कि अरविंद केजरीवाल ने उनसे कहा था कि एक दिन या तो वो पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे या एक स्वतंत्र राष्ट्र खालिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे। हालांकि केजरीवाल ने इस पर पलटवार करते हुए खुद को स्वीट आतंकी कहा था, जो लोगों के लिए स्कूल और अस्पताल खुलवाता है। केजरीवाल कुमार विश्वास के बयान से इतना बौखला उठे कि उन्होंने कुमार विश्वास पर कार्रवाई का नया पैंतरा ही निकाल दिया। वैसे भी आजकल केजरीवाल की ये नौटंकी ज्यादा चल रही है। पंजाब पुलिस की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करने वाले नेताओं के खिलाफ लगातार केस दर्ज हो रहे हैं। कुमार विश्वास से पहले दिल्ली बीजेपी के नेता तेजिंदर सिंह बग्गा, नवीन कुमार जिंदल और प्रीति गांधी पर भी केस दर्ज हो चुका है और उनके घर भी पंजाब की पुलिस पहुँच चुकी है। केजरीवाल की घिनौनी राजनीति अब खुलकर सामने आ रही है। जो भी नेता उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहा है या उनके काले चिट्ठे खोल रहा है, केजरीवाल साहब जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी के लिए पंजाब से पुलिस को भेज देते हैं। कुमार विश्वास के साथ भी अब यही किया गया है। कुमार विश्वास पर ये कार्रवाई उस बयान के बदले की गई है जब उन्होंने कहा था कि केजरीवाल ने उनसे दावा किया था कि एक दिन या तो वो पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे या एक स्वतंत्र राष्ट्र खालिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे, जिस पर केजरीवाल बौखला उठे और कुमार विश्वास पर एक्शन लेने के लिए नया हथकंडा अपना लिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।